कोई बेकार नहीं है, लेकिन उसके अंदर जो ये व्यसन आ जाते हैं, इन व्यसनों के कारण ना चाहते हुए भी वो ग्रसित हो जाता है। तो चाहे कोई भी व्यसन हो, या तन का अभिमान हो, या बुद्धि का अभिमान हो, या धन का नशा हो, नशे तो सभी खराब होते हैं जो हमारी क्वालिटी को डाउन करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो ये वैष्णो के नशे हैं, इसमें मैंने अनुभव किया है कि अगर छोटा सा नशा एक किसी को तंबाकू का भी लग जाता है, या किसी को भांग का लग जाता है, और एक से एक बुद्धिजीवी प्राणी जो दूसरों को मना करने वाले होते हैं, और वो बार बार कितने बार संकल्प करते हैं आज से नहीं करना है, कितने बार वो गंगा स्नान करते हैं और गंगा में जाके खड़े होते हैं, वहां कसम खाते हैं, थोड़े दिन के लिए इससे मुक्ति पाते हैं, उसके बाद फिर वो करना शुरू कर देते हैं। तो इससे समूल नष्ट हो जाना या निजात पाना, उसका आधार है हमारे जीवन में राजयोग। राजयोग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से चाहे किसी भी नशे से ग्रसित व्यक्ति हो, लेकिन अगर उसने अपने जीवन में करना शुरू किया, तो वो हर प्रकार के नशे से मुक्त होकर नारायणी नशा का अनुभव करना शुरू कर देता है। और जैसे ही उसके जीवन में राजयोग का महत्व या नारायणी नशा आना शुरू हो जाता है, तो उसका जो परिवार इतना कला क्लेश वाला होता है, परेशान होते हैं, उनको उनकी चेंजिंग होनी शुरू हो जाती है। तो राजयोग ये दो शब्दों से मिलकर बना है, राज धन योग। राज माने नाना प्रकार के रहस्यों को खोलने वाला, जैसे मैं कौन हूं, मैं कहां से आई हूं, और मेरा कौन है, वो कहां का रहने वाला है। योग माना जोड़, किससे हमें जुड़ना है और जिससे जुड़ना है वो कितना पावरफुल है, वो कितना बलशाली है। जब इन बातों का हमारे अंदर ज्ञान हो जाता है, तो उसके बाद हमें तीन बातों की जरूरत होती है। अपने आप को पहला साधक, दूसरा साध्य, और तीसरा साधन। साधक में हमको अपनी सत्य पहचान, मेरी क्वालिटी क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, और मैं कहाँ की रहने वाली हूँ। साधक हमको किसको याद करना है, किससे हमको शक्ति मिलेगी, आत्मबल बढ़ेगा, वो है हमारा परमपिता परमात्मा शिव, जो हर क्वालिटी में संपन्न है, नॉलेजफुल है, पीसफुल है, लवफुल है। जो भी हम शक्ति जिस समय चाहेंगे, उससे हम अपने अंदर वो शक्ति धारण करके अपने अंदर की जितनी भी कमजोरियां हैं, जितने भी अवगुण हैं, उनको हम सहज तरीके से दूर कर सकते हैं। लेकिन साधन क्या है? स्वयं की पहचान, पिता को जानना,
और उससे हम कैसे रूहरिहान करें या उससे हम कैसे कनेक्शन जोड़ सकते हैं, तो साधन है मन। और मन का प्राकृतिक नेचर है, प्रकृति है निरंतर चलना, इधर उधर दौड़ना। अब वो दौड़ के कहाँ जाता है, तो इसमें बहुत सुंदर एक उदाहरण देते हैं कि एक सम्राट होता है जो बहुत परेशान होता है और वो अपने राज्य में ढिंढोरा पिटवाता है कि मैं मन से बहुत परेशान हूं, मेरी परेशानी को जो खत्म कर देगा मैं उसको बहुत बड़ा इनाम दूंगा। जैसे ही उसको पता लगा कि शहर के बाहर एक संत जी आए हुए हैं जो आपकी परेशानी को वो खत्म कर सकते हैं, और जैसे ही वो सम्राट उस संत के पास जाता है और अपनी परेशानी संत को सुनाते हैं, तो संत जी उनको 14 घंटे का टाइम देते हैं कि आप जाइए और 4 बजे पुनः वापस आना, तो अपने मन को साथ लेकर आना। तब जैसे ही सम्राट जी वापस होते हैं तो उनकी परेशानी दिन प्रतिदिन और बढ़ जाती है, 24 घंटे उनको 24 साल के बराबर लगने शुरू हो जाते हैं। लेकिन 24 घंटे के बाद पुनः जैसे ही संत जी के पास आते हैं तो संत जी उनसे जब सवाल करते हैं, बोलिए सम्राट जी आपकी परेशानी कम हुई या ज्यादा हुई, तो संत जी बहुत ही परेशान होकर बोलते हैं, गुरु जी मेरी परेशानी तो 2 गुनी बढ़ गई, क्योंकि मैं जब वापस गया तो आपसे एक क्वेश्चन जो करना था वो पूछ ना पाया। बोले कौन सा? बोले आपने कहा था कल आप आना तो अपने मन को साथ लाना, तो मन को कैसे साथ लाया जा सकता है? तो संत जी ने कहा आप थोड़ी देर के लिए आंखें बंद कीजिए और ढूंढिए अपने मन को। जैसे ही सम्राट ने थोड़ी देर के लिए आंखें बंद किया, आप लोग भी अपने मन को ढूंढिए, बंद किया, थोड़ा शांत हुए, उसके बाद बहुत खुश होकर के तेज आवाज में बोले, गुरुजी मिल गया मिल गया मिल गया। भाई क्या मिल गया? आपका मन। इस समय आप यहां बैठे हैं, किसी न किसी जीवन की दुर्घटना के बारे में सोच रहा होगा, कोई न कोई कार्यशैली के बारे में सोच रहा होगा, बैठे यहां है, हो सकता है अतीत के बारे में सोच रहा हो या हो, उसको जरा पकड़ना। और पकड़ने के बाद जैसे एक शैतान बच्चा होता है ना, नटखट, शैतान नहीं नटखट बच्चा होता है ना, जब उसको पकड़ लेते हैं तो पकड़ने के बाद अगर उसका परिवर्तन करना है तो उसको सकते हैं, उसको डांट के नहीं परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन हम उसकी मानसिकता को पढ़ेंगे कि आखिर इसको पसंद क्या है, और उसको बहुत स्नेह से बहुत प्यार से उसको हम समझाएंगे। जैसे आप यहां बैठे या हम यहां बैठे हैं, तो इस समय हमको क्या सोचना है, इस समय हमें इस प्रांगण के वायुमंडल को बहुत अच्छे संकल्प देकर बहुत सुंदर वातावरण की रचना रचनी है, बहुत सुंदर वायुमंडल बनाना है। वायुमंडल किस आधार पे बनेगा?
तो वो सम्राट बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा, मेरी परेशानी का कारण मुझे मिल गया। और संत जी को कितना उन्होंने सम्मानित किया, और उसके बाद उस दिन से उन्होंने अपने मन को एक मित्र बनाकर और उसके साथ साथ चलना शुरू कर दिया। लेकिन मन तो एक सेकंड में यहां है, एक सेकंड में माउंट आबू पहुंच गया, एक सेकंड में बॉम्बे पहुंच गया, एक सेकंड में इलाहाबाद पहुंच गया। लेकिन जरूरत कहां है उसको, श्रेष्ठ चिंतन करने की जरूरत कहां है, वो यहां पर है। मेडिटेशन राजयोग क्या चीज है? राजयोग एक सोचने की क्रिया का नाम है। जब हम अपनी इस क्रिया को पकड़ लेंगे, अपने मन के संकल्पों को पकड़ लेंगे, हमको अपने मन को मित्र बनाकर दोस्ती करना आ जाएगा, तो कोई भी किसी भी समय किसी से भी किसी भी स्थान पर पराजित नहीं हो सकता है, किसी के वश में नहीं हो, अपने आप को चलाने की कला आ जाएगी। तो राजयोग हमको क्या सिखाता है? राजयोग मनुष्य के जीवन को सुसंस्कृति में लाना सिखाता है, सुचारू रूप से उसको अपने जीवन को चलाना सिखाता है, और उसको भगवान से बातें करने का ढंग आ जाता है। लेकिन अब बातें कैसे करेंगे, किस आधार पर करेंगे? जब तक हम अपना निरीक्षण नहीं करेंगे, तब तक हम अपना परिवर्तन नहीं कर सकते हैं और किसी भी व्यसन से मुक्त नहीं बन सकते हैं। अब उसकी क्या प्रक्रिया है, कैसे हम अपने आप को चेंज करेंगे? तो जैसे एक नाविक होता है और वो एक छोटी सी नाव में बैठता है, और नाव में बैठ करके वो चप्पू चलाता है, नाव को चलाता है, पूरी रात वो मेहनत करता है। लेकिन जैसे ही भोर होता है तो वो नाव तो वहीं पे होती है। मेहनत उसने पूरी रात किया, उसने उस पतवार को चलाया, लेकिन भूल क्या गया, वो भूल क्या गया जी? खोलना भूल गया। जिससे वो नाव बंधी हुई थी वो रस्सी खोलना भूल गया। ऐसे ही हम सभी बहुत मेहनत करते हैं, कोई कृष्ण को याद करता है, कोई राम को याद करता है, कोई माँ दुर्गे को याद करता है, कोई अन्नपूर्णा को याद करता है, और कोई शिव बाबा को याद करता है। लेकिन जो देह अभिमान का लंगर है, देह और देह के संबंधों में हमारी बुद्धि का जो फसाव है, जो बिजनेस में हमारा फसाव है, जो अन्य अवगुणों से हम ग्रसित हैं, उसका हमने लंगर नहीं खोला। और जब तक हम इससे निजात नहीं पाएंगे, तब तक हमारा कनेक्शन उस स्रोत से, उस पावर हाउस से जुड़ेगा नहीं। और जब तक कनेक्शन नहीं जुड़ेगा, तब तक रोशनी नहीं आएगी, और रोशनी नहीं आएगी तो हमें सही दिशा पर चलने का तरीका नहीं आएगा। इसलिए आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करने के लिए, आत्मा रूपी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है और उसको चार्ज करने के लिए जैसे दो तार होते हैं, तो उनके पे सबसे पहले करंट आने के लिए क्या करते हैं, दोनों तारों के ऊपर का रबर हटाते हैं, रबर का तार हटा के, उसकी रबर हटा के फिर जब दोनों तारों को हम जोड़ते हैं तो उसमें करंट आती है, और जब करंट आती है तो उसमें प्रकाश होना शुरू हो जाता है, और प्रकाश में तो हम कुछ भी देख सकते हैं,
हमको एक सही दिशा मिल जाती है, बिना मेहनत के हम आगे बढ़ने शुरू हो जाते। लेकिन यहाँ पर जो दो तार जोड़ने की बात आ रही है, तो जो परमपिता परमात्मा है वो तो हर बंधन से मुक्त है, लेकिन जो आत्मा है वो देह भान से ग्रसित है। जब तक हम अपना इस देह भान का रबर नहीं हटाएंगे और उससे कनेक्शन नहीं जोड़ेंगे, तब तक हमारे अंदर आत्मबल जागृत नहीं होगा। और जब तक आत्मबल जागृत नहीं होता है, पावरफुल नहीं होता है, तो आत्मा की कंडीशन क्या होती है? छोटी छोटी बातों में चिड़चिड़ापन, छोटी छोटी बातों में गुस्सा आता है, छोटी छोटी बातों में फीलिंग आती है, छोटी छोटी बातों में रोना, रूशना, ये सब आता है। लेकिन जैसे ही उस पावर, उस स्रोत से हमारा कनेक्शन जुड़ता है, तो हमको ही नहीं महसूस होता है, जो हमारे साथ में रहने वाले हैं उनसे हमारी रिजल्ट मिलती है, उनके अंदर से। और वो दूसरों से भी बोलना शुरू करते हैं कि जब से ये ओम शांति में जानों ने ओम शांति को ज्वाइन किया, तब से इनका नेचर बड़ा शांत हो गया है। छोटी छोटी बातों में जो ये रूसते थे, इनका रूसना बंद हो गया है। इनके अंदर सुनने की और सहन करने की पावर आ गई है। तो जब हमारे अंदर मनोबल पावरफुल होता है, आत्मबल जागृत होता है, तो कोई भी व्यसन हमारे जीवन में घर नहीं कर सकता है। हम जो संकल्प करेंगे, जिसके लिए संकल्प करेंगे, जितने समय संकल्प करेंगे, तो हमारे संकल्प में वो ताकत है कि हम उस पे विजय प्राप्त कर सकेंगे। इसलिए हमें अपने जीवन को सुसंस्कृत बनाने के लिए, अपने जीवन को खुशहाल बनाने के लिए, अपने परिवार को खुशनुमा देखने के लिए राजयोग की शिक्षा अपने जीवन में लाना अति आवश्यक है। और इसके साथ साथ उसे, जिसे हमें कुछ लेना है, उसे किस आधार पे हम ले पाएंगे, तो उससे जब हमको परिचय होगा, परिचय के आधार पे, या जब हमको उससे संबंध जुड़ा हुआ होगा, या जब उससे हमको स्नेह होगा, या कुछ प्राप्ति होगी, तभी जैसे ही प्राप्ति होने लगती है तो हम उस ओर आकर्षित हो जाते हैं, या उसके लिए हमारे पास टाइम निकल आता है। जिससे हमारा स्नेह होता है तो हम भूलना भी चाहते हैं, लेकिन हम भूल नहीं पाते। तो जैसे इन संबंधों में माँ का अगर संबंध होगा तो हमको कौन याद आएगा? बच्चा याद आएगा। अगर डॉक्टर का स्वरूप या डॉक्टर की स्मृति होगी तो हमको अस्पताल याद आएगा, क्लिनिक याद आएगा, पेशेंट याद आएंगे, दवा याद आएगी। ऐसे ही अगर हम टीचर अपने आप को समझेंगे तो हमें विद्यालय याद आएगा, स्टूडेंट याद आएगा, टॉपिक याद आएगा। और जब हम अपने मनोबल और आत्मबल को जागृत करने के लिए, सबसे पहले जब हम अपने आप को आत्मा निश्चय करेंगे, तो कहा गया है आत्मा के ज्ञान बिना परमात्मा मिलता नहीं, पत्ते पत्ते सींचने से फूल कभी खिलता नहीं। जब हम अपने आप को जान जाएंगे कि मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं, मैं एक प्रेम स्वरूप आत्मा हूं, मैं शक्तियों से संपन्न आत्मा हूं, और मेरा पिता सागर है, और जैसे ही सागर से हम कनेक्ट होते हैं, सागर में जैसे ही गागर डुबकी लगाती है तो वो भर के आती है, और जैसे ही गागर भरती है तो उसकी जितनी हलचल होती है, जितना उसका मन का हिलना होता है,
वो स्थिर हो जाता है। और जैसे ही स्थिरता आती है जीवन में, तो हम जिस मोड़ पर जाना चाहेंगे आसानी से चले जाएंगे। लिफ्ट में बैठकर जैसे आसानी से ऊंचाई पर चले जाते हैं, ऐसे ही जब स्वयं की स्मृति होगी और जिससे हमको ताकत मिलनी है, बल मिलना है, पावर मिलनी है, उसका संग होगा, तो बिना मेहनत के हम जो चाहेंगे, जिस समय चाहेंगे, जैसा चाहेंगे, अपने जीवन को मोड़ सकते हैं, जोड़ सकते हैं और खुशनुमा बना सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम शांति, ओम शांति।